हाय स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। टुडेज माई थॉट इज़ रिलेटेड टू पॉजिटिविटी एंड आई एम गोइंग टू शेयर ए ब्यूटिफुल वीडियो रिलेटेड टू दिस। And I know today is Sunday and you are free, and it's my humble request to all the parents and children must watch this beautiful video. Students, train your mind to see the good in everything. Positivity is a choice. The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. मैं आज आपके साथ एक हिंदी में स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इससे कोई ना कोई प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। एक बार दो मेंढक एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढा गहरा था और वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे में कुछ और मेंढक जो गड्ढे के बाहर थे, वे उन्हें निकालने की कोशिश करने लगे, पर सारी कोशिशें बेकार हो गई। वे किसी भी तरीके से दोनों को गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाए। अब उन दोनों मेंढकों ने गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। दोनों अपने पैर जमाते हुए गड्ढे की दीवारों पर ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करने लगे, पर उनके पैर दीवारों पर से फिसल जा रहे थे और वह दोबारा नीचे गिर जाते थे। वह बार बार कोशिश करते और बार बार नीचे गिर जाते। ये देखकर ऊपर खड़े मेंढक उन्हें कहने लगे कि अब तुम कभी ऊपर नहीं आ पाओगे, कोशिश करना बेकार है, तुम इसी गड्ढे में रह जाओगे और मर जाओगे। ये देखकर दोनों मेंढक और भी ज़्यादा कोशिश करने लगे, जिसके फलस्वरूप ऊपर के मेंढक उन्हें चिल्ला चिल्ला कर उलाहने देने लगे और ताने देने लगे। कहते रहे कि कोशिश बेकार है, अब तुम कभी नहीं चढ़ पाओगे। अब कुछ समय बाद इन दोनों में से एक ने हार मान ली और कोशिश करनी छोड़ दी, जबकि दूसरा मेंढक कोशिश करता रहा। बाहर के मेंढक चिल्लाते रहे और अपनी धुन में कोशिश में लगा रहा, और क्या हुआ, आखिरकार उसकी कोशिश रंग लाई, वह और ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया, जबकि दूसरा मेंढक गड्ढे में ही रह गया और वहीं मर गया। ये देखकर ऊपर के मेंढकों ने उससे पूछा कि वो ऊपर कैसे चढ़ गया और दूसरा मेंढक क्यों नहीं चढ़ पाया। तब उसने जवाब दिया कि आप लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर मेरा उत्साह बढ़ाया और मैं ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया। और उसका जवाब सुनकर काफ़ी मेंढक दंग रह गए। बाद में पता चला कि वह मेंढक बहरा था और कुछ भी नहीं सुन सकता था। जब बाहर वाले मेंढक चिल्ला चिल्ला कर उसका मजाक उड़ा रहे थे, तब उसे लग रहा था कि वे उसे ऊपर आने के लिए उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, जबकि दूसरा मेंढक उनके नेगेटिव बातों की वजह से उत्साहहीन हो गया और उसने अपनी कोशिश छोड़ दी। और नतीजा ये निकला कि वे नीचे ही रह गया और मर गया। कहानी का सार ये है कि अगर आप अपने आसपास के नेगेटिव लोगों के नेगेटिव विचारों से प्रभावित होकर उन पर विश्वास करने लगे, तो आपका भी वही अंजाम होगा जो उस मेंढक का हुआ। यानी आपके सामने सपने ही रह जाएंगे और आप कभी भी जीत नहीं पाओगे और किसी भी काम में नहीं अपने ड्रीम्स की ओर अपने ड्रीम्स को सीने में लिए हुए इस दुनिया से
रुखसत हो जाओगे। तो आप ये आप तो आपको अब ये आपको तय करना है कि आप किसके फैसले पर चलते हैं, उन लोगों के फैसले पर जिन्हें ये तक नहीं पता कि आपका फेवरेट कलर क्या है, जहाँ आपके फैसले पर जिसे खुद से बेहतर कोई और नहीं जान सकता। डिसीजन इज योर्स, फैसला आपके हाथ में है। हैव ए वंडरफुल डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।